बोला बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर परिस्थिति में जीना सीखो। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज की जो हमारा थंबनेल है, HSSC के जो 29,000 कैंडिडेट हैं, ये कौन से कैंडिडेट हैं, ग्रुप नंबर 1-2 है, 56-57 है, और भी सी ग्रुप के एग्जाम जो 3 तारीख तक हो चुके हैं, ठीक है, हरियाणा पुलिस है, तो क्या वास्तव में 7 अक्टूबर को, आज 7 अक्टूबर है, क्या वास्तव में आज रिजल्ट जारी होगा? क्योंकि हम कल से लगातार पढ़ सुन रहे हैं कि 6 और 7 तारीख को, कल 6 तारीख को शाम को रिजल्ट आएगा, आज 7 तारीख को आएगा, तो इस तरह की जो किंवदंतियां हैं जो हम सुन रहे हैं बार बार, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और केवल 2 रास्ते, अब ये देखो कौन से 2 रास्ते हैं, ठीक है, 2024 सीईटी एंड न्यू वैकेंसीज, सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार में भाई बदलाव हो, कांग्रेस आए या बीजेपी एज इट इज रिपीट हो, तो कितनी वैकेंसियां रिक्त हैं, कब तक आने वाली हैं, तो इस वीडियो में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो सभी को पता है कि हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने परमिशन मांगी थी निर्वाचन आयोग से, तो निर्वाचन आयोग ने कहा था कि भाई 5 अक्टूबर तक, चुनाव तक आप परिणाम जारी नहीं कर सकते, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसी पर कयास लगाया जा रहा है कि भाई 6 तारीख को रात को आएगा या 7 को कन्फर्म आएगा, तो इस तरह की बातें लगातार सुन रहे हैं। तो देखो इसमें सच्चाई ये है कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई 100% ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल ये एक लाइन थी कि भाई 5 अक्टूबर तक आप परिणाम जारी नहीं कर सकते, बाद में आप कर सकते हो, तो ये तो संभव है, संभव तो ये रिजल्ट तो आ सकता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि भाई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत मैक्सिमम नहीं है कि भाई आज रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ इतना अवश्य है कि यदि ये आपका जो रिजल्ट है, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है, जो भी जिनके एग्जाम हो चुके हैं 3 तारीख तक, बाकी के जो एग्जाम थे वो तो पोस्टपोन हो गए हैं या बाद में उसकी तो डेट ली आई, लेकिन 3 तारीख तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, मे बी एक साथ रिजल्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसा कहा गया था कि ये सारे रिजल्ट पोस्ट परफेरेंस का मतलब ये था कि भाई कौन से कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कहां उनकी ज्वाइनिंग होनी है, तो बाकी के पद वो रिक्त हो जाए ताकि और कट ऑफ से कम जिसके मार्क्स हैं उन कैंडिडेट्स को ये मौका मिले। तो ऐसा संभव है कि आपका रिजल्ट आज आ जाए, लेकिन ये नहीं है कि भाई कन्फर्म ही रिजल्ट आएगा। हाँ इसके साथ एक लाइन और बोल दूंगा मैं कि यदि आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आता है, मतलब बहुत ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 9 तारीख से 10, 11, 12, 15 तक ये आपके सारे रिजल्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और भाई 10% ये मान लो कि यदि 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो मे बी ये रिजल्ट आपका फिर थोड़ा सा विलंब से आएगा। कई जगह ये भी बातें होती है, अब कांग्रेस सरकार जीत रही है, 50-55 सीटें ले रही है, अब ये कैंसिल होगा, अब ये कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। मैंने आज तक एक वीडियो में भी ये नहीं कहा है। देखो ऐसा भी आपने देखा होगा कि कैंसिल होगा और फिर उसकी कट ऑफ बताना, फिर तो कोई चीजें तुम अपने आप समझदार हो, खुद समझो, कोई रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, पूरे एग्जाम हो चुके हैं, ना जेबीटी का एग्जाम कैंसिल होना है, ना 56-57 1-2 हरियाणा पुलिस और कुछ एक एग्जाम बचे हुए हैं, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि भाई सी ग्रुप के सारे एग्जाम होने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस पूरा कंप्लीट हो जाए जो पोर्टल है, और उसके बाद में पूरा रिजल्ट एक साथ आए, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो रिजल्ट तैयार है, बिल्कुल कंफर्म हरियाणा पुलिस का रिजल्ट तैयार है, 56-57 1-2 तैयार है, ये बिल्कुल रिजल्ट आपके आएंगे। जेबीटी का रिजल्ट भी मैं आपको बताता हूं कि 15 अक्टूबर तक शायद जेबीटी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है, सॉरी ऐसी पॉसिबिलिटी 100% नहीं कह सकते कि भाई ये रिजल्ट आज ही आएगा, लेकिन इतना ज्यादा भी वो मत समझो कि भाई रिजल्ट बहुत जल्दी और 10 दिन बाद आ जाए तो भी हमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, इतना इंतजार किया तो थोड़ा सा और 5-7-10 दिन का करेंगे, लेकिन कैंसिल नहीं होगी, ये मैं 1000% कहता हूं। केवल 2 रास्ते, देखो ये मैंने इसलिए लिखा है कि सभी साथियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 2 रास्ते यानी कि
जीवन में, पूरे जीवन में केवल दो चीजें हमारे नियंत्रण में है कि हम क्या सोचते हैं और उस सोचे हुए पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी कोई परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। दो रास्ते मैं बताता हूं, यदि वास्तव में तुम स्टूडेंट लाइफ, वास्तव में तुम, दो रास्ते क्या होते हैं, एक तो होता है राजनीति और एक होता है कैरियर, दोनों डिफरेंट हैं। यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, बहुत अच्छे अपना जो भी आपका एम है उसको अचीव नहीं कर सकते, आपका कैरियर है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। यदि आप राजनीति, फलाना विधायक जीत गया, वहां से वो जीत गया, शर्त मार ये जीतेगा फलाना, तो इस तरह की बातें करने वाला अपना 100% कैरियर में नहीं दे सकता। यदि रियली आप स्टूडेंट लाइफ जीना चाहते हो तो राजनीति से कोसों दूर हो जाओ, जब तक तुम्हारा कैरियर नहीं बन जाता, और कैरियर बनने के बाद फिर अपना इंटरेस्ट लो जहां भी आपका इंटरेस्ट है। तो दो रास्ते का मतलब यह है कि आपको एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। पुरानी भर्तियों का तो रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, जो नए बच्चों के लिए मैं स्पेशल कहता हूं कि वास्तव में ही दो रास्ते होते हैं, या तो तुम्हारा रास्ता राजनीति की तरफ जाता है जहां बहुत बढ़ चढ़ के भाग लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो उसी दिशा में प्रयास करोगे, वही बातें करोगे पूरे दिन दिमाग में वही चीजें, क्योंकि बार बार जब वही चीजें वही बातें करेंगे तो हमारा दिमाग तो उधर एडजस्ट हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा कैरियर बहुत पीछे छूट गया। यदि आप कैरियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी पोस्ट पर लगना चाहते हो, लगने वाले आईएएस भी वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने उस दिशा में प्रयास किया, आईएएस भी बनोगे, बहुत बड़े सब इंस्पेक्टर बनोगे, बहुत सी भर्ती आने वाली है, तो राजनीति को थोड़े दिन के लिए बिल्कुल बैक मार जाओ, यू टर्न मार के केवल कैरियर पर फोकस करो, पूरे दिन उसी के बारे में, उसी का टाइम टेबल बना हुआ, अब हमें ये तैयार करना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में हमारी ये गलती हो गई, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये टॉपिक हमारा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस तरह से पूरा दिन देखो, जब जिस दिशा में आपको सफलता लेनी है पूरे दिन उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। पूरे दिन का मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम आपको उसी पे देना पड़ेगा। यदि आप कई ऐसे कैंडिडेट हैं कमेंट्स करने में इतना इतनी जल्दबाजी करते हैं कि पता नहीं उनको कौन से नंबर मिल रहे हैं, ये गलत बता रहा है, ये फलाना, उनको कोई नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन उनके संस्कार पता लगते हैं भाई, उनका उनके संस्कार कैसे हैं, केवल इस बात का हमें पता लगता है कि ये किस टाइप का लड़का है, कितना जीवन में सफल होने वाला है। कन्फर्म मैं आपको बताता हूं, कई बार कॉमेंट्स हमने कर दिया तो वो जैसे ऐसा लगता है कि भाई हमें 20-30-50 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, इंटरव्यू में, कॉमेंट्स जल्दी से जल्दी कर, ठीक है, गलती सबसे होती है, टू इरर इज ह्यूमैन, मनुष्य गलतियों का पुतला है और हमेशा रहेगा, ठीक है, हमेशा ही रहेगा। एक विद्वान ने कहा था, बोलो मैं इस संसार का सबसे जीवित प्राणी हूं, सबसे बुद्धिमान प्राणी हूं, और बुद्धिमान इसलिए हूं कि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो कोई कुछ नहीं जानता, सब सीख रहे हैं, मास्टर रात को पढ़ता है, विद्यार्थी सुबह पढ़ते हैं, केवल ये है बस। तो दो रास्ते ये हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, या तो राजनीति से डाइवर्ट होके कैरियर की तरफ चले जाओ, या कैरियर को छोड़ दो और राजनीति में बहुत ऊपर तक जाओगे, ठीक है। किसी के क्रिटिसाइज करना ये ऐसे हो ही नहीं सकता, ये फलाना है, क्योंकि सारा ज्ञान उनको ही मिल गया है, बाकियों को तो ज्ञान है ही नहीं किसी को। तो ये दो रास्ते हैं। अभी आपका नया सीईटी होने वाला है, नए बच्चों से मैं बताता हूं कि सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी करो, इसमें सीईटी में बदलाव होना है, केवल क्वालिफाई होना है, और सीईटी पर जो हरियाणा पुलिस की 1456 भर्ती है, कितनी आई शायद 1456 की भर्ती आई हुई है, रिक्रूटमेंट फॉर्म भरे गए, तो 100% रीएड होंगे, नए बच्चों को मौका मिलेगा, सीईटी पास करना है उसके बाद आपको मौका मिलेगा। यदि सीईटी पास नहीं होता है तो कन्फर्म मान लेना आप 2 से 3 साल पीछे चले गए, ठीक है। बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, मैक्सिमम पद रिक्त है, इसमें आप लगा सकते हो टैक्सेशन का भी आएगा, एक्साइज इंस्पेक्टर, कंडक्टर, ड्राइवर, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, और उसके बाद में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सारी वैकेंसी आने वाली हैं। केवल पॉजिटिव बनो और दो रास्तों में से एक रास्ता चुनो, सिर्फ कैरियर, ओनली कैरियर, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा एज ए एंटरटेनमेंट के लिए कोई बातें कर ली, हंस ली, वो एक अलग चीज है, लेकिन पूरा फोकस कैरियर पे बनाओगे, वही बच्चा सफलता प्राप्त करेगा जो अपने कैरियर की तरफ पूरा संकल्पकृत होकर सही दिशा में प्रयासरत रहेगा। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, एक उसका
व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं बहुत जल्दी, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। आज से नियमित रूप से 8 बजे हमारी क्लास प्रारंभ होगी। जो भी एग्जाम है, वेरियस प्रकार के कितने भी एग्जाम हैं, तो मैं डेली 8 बजे मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास लूंगा, ठीक है, नियमित रूप से संडे को छोड़कर। सभी साथी बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।